आ रहा है, आपने देखा होगा। इधर देखो हम चले आए। मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ आपके लिए। नेकी में बड़ी बरकत है। हमने आतंकियों के मन में डर पैदा किया, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। बन्ना डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। हमारी जमीन पर कदम रखने से पहले तुम भूल गए कि औरों की जमीन और हमारी जमीन में क्या फर्क है। सातवें पाताल में होंगे, उनको भी मैं छोड़ने वाला नहीं। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि बिना हिले जुले खामोश खड़े रहो। दादागिरी मत कर। दादा तो इस दुनिया में सिर्फ दो हैं, एक ऊपर वाला और दूसरे हम। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? हम तुम्हें सिर्फ ये बताने आए हैं कि अगर तुमने तिरंगे के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो हम तुम्हें वो मौत देंगे जो ना तो किसी कानून की किताब में लिखी होगी और ना ही कभी किसी मुजरिम ने सोची होगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ऐसे गधे की पीठ पर घोड़े की जीन अच्छी नहीं लगती, वैसे ही तुम्हारे कंधों पर ये सितारे अच्छे नहीं लगते। क्या मेरा यही गुनाह है? तुम नीचे खड़े होकर अपने आप को कमतर समझने लगे। हम तो यहाँ सिर्फ इस ख्याल से रुक गए थे कि नीचे से ऊपर बात करते हुए तुम्हें सर उठा के बात करने का मौका मिलेगा। अगर तुम्हें सर उठाकर बात करने का शौक नहीं है तो हम चले आते हैं। ये फकीरी है। ये तो शेर की गुफा है, यहाँ अगर तुमने करवट भी ली तो समझो मौत को बुलावा दिया। बेईमान लोग, गरीबों के घर के पास चुप चोरी चुप्पी से कतार लगाए हैं। जिसके घर के दालान में चंदन का झाड़ होगा वहाँ तो सांपों का आना जाना लगा ही रहेगा। जब कभी खबरें सुनते थे कि किसी के घर में रेड लगी तो बिस्तर के नीचे से करोड़ों करोड़ों रुपये मिल गए। जिसे हम यहाँ लाते हैं उससे सिर्फ एक बार सवाल पूछते हैं। कुछ लोगों तो पता नहीं क्या हो गया है। जब मौत करीब होती है तो यमराज के साथ साथ लोग राणा को भी याद कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, अब बोलो रुपया वापस ला रहे हो या नहीं? अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना।